Good morning, all of you. This is your social science class 8, and here I am explaining you chapter 2, parliamentary form of government. Okay, so the following topic we will cover in this chapter, like why parliament system, composition of parliament, the Indian parliament, the president and the two houses, the Lok Sabha, its composition and powers, the Rajya Sabha, its composition and powers. Okay, so India became free on 15th of August 1957. You know, immediately after independence, the tough task of forming the constitution fall on the schedule for the shoulders of our national leaders. So 1947 ke baad it become a responsibility for the national leaders to control all the activities of our nation, who actively took part in the freedom struggle. So while framing the constitution, the members of the constituent assembly kept in their mind factors such as wide diversity, historical background, tradition and socio-economic conditions, etc. Okay, so all these factors paved the way to form the best form of the government. From a long session of debate and discussion, the constituent assembly gave from the shape to principles that were the soul of the national struggle. So as we studied in this para, that our nation leaders who took part in the freedom struggle, they did lot for the betterment of our country. Okay, the next topic is the Indian parliament. So as we know that the parliament is the highest lawmaking body in our body, and the word parliament is derived from the French word parler, which English means a place where people sit and discuss all things. So Indian parliament has the following component: one, the president of India; second, Rajya Sabha, the upper house; and third, Lok Sabha, the lower house. Okay, so Rajya Sabha and Lok Sabha combinedly we can say the सेंट्रल लेजिस्लेचर. इन दोनों को कंबाइन क्या कहते हैं? सेंट्रल लेजिस्लेचर कहते हैं. देन व्हाई इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूजन इन इंडिया? सो आई टॉट यू सम पॉइंट्स दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया लास्टेड फॉर मोर देन 200 इयर्स. द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ऑब्जर्व इट्स वर्किंग एंड डिसाइड टू इंप्लीमेंट इन इट इन इंडिया. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन चलाए जाते थे वो हमारे को थोड़ा बहुत सही लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो सारे नेगेटिव ही नहीं थे, कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी उनके काम करने के तरीकों में. ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ प्लान एंड पॉलिसीज को एडॉप्ट किया गया. ठीक है, देन इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, हेंस द चेंजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर मिनिमम. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट के क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, लेजिस्लेचर का क्या काम है, ये फिक्स है. तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी चूज इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया. तो एक बहुत बड़े कंट्री जैसे इंडिया में सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी ज्यादा होने के कारण पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज करना ही एक बेस्ट ऑप्शन था. द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश म्यूचुअल हार्मोनियस कोऑपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. इट ऑल्सो इंश्योर्स एफिशियंसी एंड देयर वर्किंग, और इनके काम करने के तरीके में भी एफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है. ठीक है, जिसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होता, काम का जो तरीका है वो स्मूथली इजी होता है. ठीक है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड. ठीक है, इसमें जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड कहलाता है. हु पॉजेस नो रियल पावर, ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर who is head of the council of ministers. तो अकेले ही प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती, पावर थोड़ा बहुत प्राइम मिनिस्टर के पास भी होती है, और प्राइम मिनिस्टर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है.
So the Council of Ministers is collectively responsible to the legislature. So Council of Ministers totally legislative collectively ke responsible hote hain. So there are no change of emergence of a directorate. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी चूज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर आवर कंट्री इंडिया. ओके.